ये देखो हम लोग पहुंच गए अभी दोबारा से आज घर में। दीपक ने मैचिंग मैचिंग पहना है मेरे हिसाब से। चलो हम लोग देखते हैं, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। अच्छा इधर से दिखा रहे हैं दीपक, इधर देखो कल हमने बलून और फूल माला वगैरह टांगी थी। ये वेलकम होम इतना छोटा सा दीपक ने मंगा के लगाया था। देखो वेलकम होम, दीपक ने गेट खोल दिया है। ये देखो हमने गृह प्रवेश किया था ना, तो पूरा पैर वैर के निशान सब दिख रहे हैं, एकदम अच्छे से फूल वगैरह सब पड़ा हुआ है। दीपक आते ही अपना सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो माता रानी का मंदिर यहाँ बना था, जो मैं दूसरे साइड से दिखाती हूँ, जैसे लाइट कम आ रही है। ये आ गई मैं बालकनी की साइड, यहाँ से देखो दीपक इधर सफाई कर रहे हैं। सफाई क्या कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, सफाई तो मैं ही करूँगी। इधर देखो पूरा मंदिर माता रानी का, यहाँ पे जो पंडित जी मूर्ति लाए थे वो मूर्ति पंडित जी ले गए, हमारी माता रानी जो मैं लेके आई थी वो उधर है। और पूजा का सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोग बस निकल गए यहाँ से। दीपक तो बस बातें करते रहेंगे, यार पूरा सफाई मुझे ही करना है, मैं सोच रही हूँ सफाई करूँ। बट ये इतना सुंदर लग रहा है जो ओम और स्वास्तिक पंडित जी ने बनाया है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको हटाऊं या नहीं, बट हटाना तो था क्योंकि फूल वगैरह बासी फूल नहीं होना चाहिए मंदिर में, ऐसा बोलते हैं, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा पहले अच्छे से एक बार देख लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद हटाऊंगी। इधर देखो अलता भी रखा हुआ है जिसमें हम पैर रख के गृह प्रवेश किए थे। फूल वगैरह सब एकदम फ्रेश ताजे। जब हम लोग बाहर से आए ना, रूम एकदम महक रहा था, इतना अच्छा, क्योंकि रूम बंद था और ताजे फूल हैं रूम में। ये देखो दीपक ने सिर्फ दो बलून मंगाए थे, मैंने 100-100 के दो पैकेट बलून्स मंगाए थे, रेड एंड गोल्डन। बट कोई बात नहीं, लड़कों की डेकोरेशन तो ऐसे ही होती है, मैं तो बाहर चली गई थी। ये है हमारी बालकनी जिसका व्यू बहुत अच्छा है। बार बार ऐसा दिल करता है कि बस बालकनी में ही आके रहूँ, है ना। और इतनी बड़ी बालकनी हमारी कि इसमें दो बेड आराम से डाल के, दो तीन बेड डल सकते हैं। और इधर देखो सामान पूरा फैला हुआ है, कल का जो कपड़े डेकोरेशन के सामान सब नीचे रखे हुए हैं। दीपक सब चीज़ मेरा दिखा देते हैं, इसलिए मैं इसको ढक लेती हूँ जल्दी से। जब मैंने देखा दीपक वीडियो बना रहे हैं तो मैंने सोचा इसको ढक देती हूँ। मैं चेयर वगैरह इधर उधर करने लगी, फिर से दीपक मान नहीं रहे थे वीडियो बनाने के लिए। मैं कुछ कुछ बोल रही थी कि हाँ ये ऐसी चीज़ें फैला हुआ है, बट मुझे नहीं पता दीपक वीडियो बना रहे थे, तो फिर मैंने ढक लिया इसको सारा। बट कोई बात नहीं, अभी हमारे पास कैबिनेट नहीं है, बेड नहीं है, तो थोड़ा सामान फैला हुआ है, कोई नहीं, हम लोग सेट करेंगे जल्दी। ये देखो ये है हमारा किचन, साइड में वो जो था वॉशरूम था। ये हमारा किचन है, किचन में अंधेरा है क्योंकि लाइट आज 10 बजे आएगी, अभी 10 बजा नहीं, हम लोग सुबह सुबह उठ के आ गए थे। फिर मैं आ गई यहाँ पे ये कोशिश करने की चलो हम लोग हटाते हैं, फिर भी मैं हटा नहीं पाई। मैंने फूल वगैरह देखा, बहुत सुंदर लग रहा था, मैंने सोचा कोई बात नहीं पहले पूजा करके थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हटाऊंगी। तो हमने ऐसे ही कर लिया पूजा। फिर उसके बाद दीपक बातें कर रहे थे कि नहीं हटा लो, फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे ऐसा करके। फिर मैंने बोला नहीं थोड़ी देर ऐसे और रहने दो। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं यहाँ पे, तो देखो हमारा ब्रेकफास्ट कैसे हुआ है आज का। ब्रेड सेका है, ये स्टील का कप पड़ा था यहाँ पे, हम लोग ले आए थे मतलब पूजा वगैरह के लिए। तो ये बस दीपक पीनट बटर लगा रहे हैं, हम लोग ये खाएंगे। और हमारा रूम देखो कैसे हम लोग फैला रखे, इधर का पेंट भी अभी बराबर नहीं हुआ है, ये दोबारा से करवाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके फिर क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। एक बार लाइट आई थोड़ी सी, मैं इतना खुश हो गई, दीवा आ गया है ना, फिर पता नहीं क्या हुआ फिर से कट गई। मुझे लग रहा है वो लोग काम कर रहे हैं उस पर, या काम क्या ऑन ही करना होता होगा, जो भी होगा। वैसे हमने कस्टमर केयर पे कॉल करके बात किया तो उन्होंने बोला कि 10 बजे से पहले पहले आ जाएगा, तो हम लोग दीवा का वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लीनिंग। फिलहाल हम लोग पेट पूजा कर लेते हैं। दीपक मेरे लिए भी लगा दो पीनट बटर, थैंक यू। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हमारे घर में दीवा आ गया था, यानी कि लाइट आ गई थी। जैसा कि दुबई का रूल है यहाँ पे, जब एक बंदा चला जाता है एक ओनर, तो दूसरा ओनर चेंज होता है, तो लाइट डिस्कनेक्ट करके उस दूसरे के नाम पे आती, ऐसा होता है। मैं जहाँ आऊँ और दीपक ना आए वीडियो बनाने, ऐसा हो सकता है। तो दीपक आ गए। अंजू आप किस चीज़ की तैयारी है? खाना बन रहा है ना, अभी यहाँ से जा नहीं रहे, पूरा दिन यहीं रहना, तो मैंने सोचा सब्जी चावल रोटी बना देती हूँ। वाओ, रोटी खाना ही खाना तो नहीं बनाते, सब्जी पर अभी तुमने दूसरा वाला गैस लिया नहीं, अभी सिलेंडर उधर ही यूज कर रहे हो। दूसरा वाला गैस का भी पैसा नहीं है, बाद में लूंगी। तो गाइस सुबह से दोपहर हो गई लेकिन हम लोग अभी भी यही हैं, शिफ्टिंग के बिना हम लोग यहाँ मजे ले रहे हैं। ये देखो दीपक ने क्या बनाया, दीपक क्या बनाया, दीपक राइस और सब्जी बनाए है ना। हम लोग राइस और सब्जी खा के थोड़ा क्लीनिंग करेंगे, जैसा देख रहे हो पूरा उधर गिरा पड़ा नहीं, वो तो कैबिनेट नहीं है, अभी शिफ्टिंग नहीं की है ना, तो जो कपड़े वपड़े थोड़े पहनने के लिए लाए थे कारपेट लगा के, वो वहीं पे रख दिया है। और ये देखो कुछ चेयर पे पड़े हैं मेरे कपड़े।
अब हम लोग जल्दी से खाओ आके फिर इसके बाद क्लीनिंग करें, क्योंकि अभी तक हमने क्लीनिंग नहीं की, कल काफी थक गए थे। दीपक की हालत देखो कैसी हो रही, दीपक इतना बीमार सा फील कर रहे हैं कि ये ड्यूटी भी नहीं गया। अंजू फटाफट बेटा, इतना जल्दी कौन से पंडित ने किया है डेकोरेशन? अच्छी पूजा करवाता है ना, तो वो मनोज पंडित जी ही है। देखो कितना अच्छा सजाया, सारी चीजें निकल गई है। उसके बाद भी सिर्फ ओम और ये स्वास्तिक कितना अच्छा इन्होंने बनाया है कि ऐसे लग रहा है कि ये बना बनाया आया है, बट ये चावल और फूल से बना। तो ब्रेकफास्ट भी हो गया, लंच भी हो गया, खाना भी हो गया, मस्ती भी हो गई, उसके बाद क्लीनिंग तो करनी थी। फिर हम स्टार्ट कर दिए लंच के बाद क्लीनिंग। मैंने सारा फूल वगैरह निकाला, फिर मैंने ये पूरा नीचे लाल कपड़े पे ओम ये चावल से लिखा था पंडित जी ने, और साइड में हल्दी और सुपारी वगैरह चढ़ाए थे, तो ये सब मैंने एक एक करके सब निकाला। और इसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, और इस तरह से माता रानी का मंदिर सेट किया। और उसके बाद हमने डिनर किया। यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए हैं हम, तो फिर हम यहाँ से चले गए रात को।